राजस्थान की सरकार का एक बार फिर से एक तुगलकी फरमान आया है और तुष्टीकरण का एक चेहरा फिर से उजागर हुआ है। उदयपुर के कलेक्टर ने 5 अप्रैल से 2 महीने के लिए 144 इम्पोज की है और साथ ही ये भी कहा है किसी तरीके से धार्मिक ध्वज, झंडे और प्रतीक चिन्ह सार्वजनिक या निजी स्थानों पर नहीं लगाए जा सकेंगे। ये एक किस्म का तुष्टीकरण का वो नमूना है जब कानून की विफलता के लिए इस तरीके के रास्ते गढ़े जाते हैं। मुझे लगता है कि लगातार एक के बाद एक राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, जिसकी दोषी खुद कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गृह मंत्री के रूप में भी उनकी विफलता। लेकिन लगातार राजस्थान जिस तरीके से अपराधों की राजधानी बना, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, लेकिन आस्था पर हमले करना ये शायद कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए मखौल हो गया है क्या? क्योंकि कल हनुमान जयंती थी, उससे पहले दिन इस तरीके का आदेश निकालना ये उदयपुर के नहीं राजस्थान के तमाम लोगों की धार्मिक आस्था पर सीधा सीधा हमला है और इसकी जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण कांग्रेस की फितरत बन चुकी है।